एज यूजुअल जब से गेम गायब हुआ है फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर तब से ना हर दिन फ्री फायर कम्युनिटी में एक रोमांच सा रहा है। रोमांच क्यों? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया नया खबर आ जाता है कि कोई कोई रोस्टर चेंजेस हो रहा है या तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है, ऐसे वाली सिचुएशन क्रिएट किए जा रहे हैं। अब देखिए कौन सा कितना सच है कौन सा कितना गलत है ये मैं ऑफकोर्स डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उन सब न्यूज को फैलाने वाला मैं नहीं हूँ, उन सब न्यूज को वेरीफाई करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही इस कम्युनिटी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। अब कल आप सब लोगों को पता ऑफकोर्स की फ्री फायर इंडिया चैंपियन 2022 के लिए कितने लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अस क्योंकि वी आर ऑल्सो ऑफिशियल कास्टर्स। एंड हम लोगों ने पहले ही बोला था कि जब से ये गेम गायब हुआ है तब से सबसे ज्यादा इफेक्टेड ई स्पोर्ट्स हुआ है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड इवन हैम्पर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हो रहे हैं, ई स्पोर्ट्स के कास्टर्स एंड कॉन्टेंट क्रिएटर्स ही हो रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप जैसे टूर्नामेंट्स और भी थर्ड पार्टी जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो हो नहीं पा रहे थे वहाँ पे इश्यूज हो रहे थे। बट अब सडनली कल एक स्क्रीनशॉट आया, आई डोंट नो कहाँ से आया वो, आई थिंक मैंने पहले इंस्टाग्राम पे देखा किसने टैग किया मुझे, किसने शेयर किया वो चीज़। फिर ऑफकोर्स जो हमारे न्यूज़ पेजेस हैं कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स में इन लोगों ने शेयर किया कि 25 मार्च से शुरू हो रहा है एंड 4:30 बजे का डेट दिया हुआ है, एक अनलिस्टेड है, हैशटैग्स भी फ्री फायर मैक्स का यूज किया गया है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि देखिए ऑफकोर्स ऐसी सिचुएशन में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार सही होगा, मैं भी बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता फेक है, बट ऐसा 100% गारंटीड भी नहीं कि वो ओरिजिनल है गाइस, एंड ट्रस्ट कर सकते हो आप उस पर फेथफुली, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इसके रिगार्डिंग। एंड क्योंकि आप क्लोज क्वालिफायर से पहले आपको ऑब्वियसली 42 टीम्स के नाम देखने को मिलेंगे जो FFC मोड से आए थे, अभी तक वो नहीं मिला था, वो उससे वो होने से पहले ही गेम जब गायब हुआ था उसके बाद वो आया ही नहीं था, उसके बाद गेम मतलब टूर्नामेंट भी पोस्टपोन काइंड ऑफ डिले हो गया था, तो अभी तक वो लिस्ट नहीं आया है गाइस। तो अभी तक हमें कुछ नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं तो देख के देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि विश्वास कर लूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि स्टिल वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अभी तक मुझे भी नहीं लगता कि वो मतलब मैं 50% विश्वास कर रहा हूँ, 50% नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल्स ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। एंड उनसे मैंने जब भी पूछने की कोशिश की है उन लोगों ने बोला है कि हमें नहीं पता ना, एक्चुअली वही है हर कंटेंट क्रिएटर, आई थिंक काफी कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियोज बनाए, उन लोगों ने भी बोला है कि यार ऑफिशियल्स अभी कुछ नहीं बोले क्योंकि उनको भी एक्चुअली नहीं पता है गेम के बारे में, गेम कब आ रहा है, ठीक है। अगर 25 तारीख को आ जाता है तो आई थिंक हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है, ऑफकोर्स मेरे लिए तो और भी ज्यादा खुशी की खबर है। आई नो कि आप लोग भी सोच रहे हो कि यार क्या और भाई सच में आ रहा है 25 तारीख को FFI शुरू हो रहा है। देखो अगर 25 तारीख शुरू हो रहा है ऑफकोर्स मैंने बोला दो तीन चीजें होंगी, 4-5 दिनों के अंदर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा, अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा। बट एक और चीज अच्छा हुआ कल मतलब उस स्क्रीनशॉट के साथ साथ कि 3 हफ्ते से फ्री फायर इंडिया ऑफिसर का जो पेज था वो इनएक्टिव था। कल पहली बार एक वीडियो आया, कोई ई-स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग नहीं आया, बट कल पहली बार एक वीडियो आया, आई थिंक कुछ क्लैश स्क्वाड के रिगार्डिंग कुछ समथिंग, तो कुछ इवेंट के रिगार्डिंग था, मैंने अच्छे से वीडियो देखा नहीं, तो मैंने सोचा कि यार इतने दिनों बाद मतलब एक्टिव हुआ है वो चैनल, तो थोड़ा पॉजिटिविटी हो सकता है, पॉजिटिविटी इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार विश्वास कर भी लूँ। अब एडिटर्स आजकल कुछ भी कर सकते हैं यार, एडिटर्स पर कोई भरोसा नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी के चैनल पर भी इसके ऊपर चैनल लगा सकते हैं, कुछ भी अगर देखो तो उसको इमीडिएटली क्लोन कर देंगे, कुछ भरोसा नहीं है। तो या अगर ये चीज़ हुआ है क्योंकि कल फ्री फायर इंडिया चैम्पियनशिप के चैनल पर एक वीडियो भी आया है जो कि 3 हफ्ते बाद जब से गेम गायब हुआ तब से 3 हफ्ते हो चुका है, फाइनली वीडियो उसके बाद स्क्रीनशॉट, सो ये थोड़ा सा क्लोज टाइप ऑफ मैच कर रहे हैं, उनको ना डॉट्स मैच करते हैं वैसा डॉट मैच कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मैं तो यही बोलूँगा लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कोशिश करते हैं कि हम फिर भी अपना 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 काम पे ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि यार फुल एकदम वो हो गए, समझ रहे। तो अच्छी बात होगी ऑफकोर्स, हमें अभी बोल अच्छी बात होगी ऑफकोर्स गेम अगर आ जाए हमारे लिए, क्योंकि गेम ऑफकोर्स हमारा है, हमें हमारे पास आएगा तो ऑफकोर्स हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा इस सिचुएशन में। यस, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, आई नो कि ये स्क्रीनशॉट जो देख के आप लोग इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो, मैं आप लोगों की खुशी में कुछ भंग नहीं करने आया हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रिसर्च कर लो क्योंकि ये 100% गारंटी नहीं है, बट दूसरा तरीका दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि दोनों दूसरा साइड ये है कि वीडियोस भी आ रहे हैं अब फ्री फायर के चैनल पे एंड डिस्कॉर्ड पे भी आई गेस अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे, आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस।
बस ये अपडेट देना था, ये वीडियो शॉर्ट करता है, होप कि आप लोग सही हैं, सेफ हैं। बस अब तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ, मिलते हैं।